तो आज हम निकले हैं सूर्य देवी मंदिर की ओर। सूर्य देवी मंदिर पहुंचने के लिए हम गए गोलापार वाली रोड से। ये मंदिर जंगलों के बीच में है। आज की इस राइड पे मेरे साथ था मेरा फ्रेंड ललित। और आज की मॉर्निंग राइड में अभी हम जब ये सूर्य देवी मंदिर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे हमें कुछ हिरण मिले हैं रास्ते में, नदी में पानी पीते हुए हिरणों का झुंड दिखा है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। अब हम पहुंच चुके थे जहां से हमें सूर्य देवी मंदिर के लिए जाना था हाईवे छोड़ के। अब हमें जाना था जंगल के रास्ते से, और ये वो मोड़ है जहां से हमें सूर्य देवी की ओर जाना है। और ये जो रास्ता था पूरा कच्चा रास्ता है, पत्थरों से भरा हुआ, काफ़ी एडवेंचरस रास्ता था। रास्ते में हमें घने जंगल से गुजरते हुए जाना था। यहाँ पर हमें एक लेपर्ड के पगमार्क भी मिले। आज हम आए हैं सूर्य देवी मंदिर की ओर, और हमारे घर से सूर्य देवी मंदिर की जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 34 किलोमीटर की, और काफ़ी प्यारी जगह है। अभी हम जंगल से गुजरते हुए आए और काफ़ी घना जंगल था, रास्ते में जानवरों के पैरों के निशान भी दिखे, थोड़ी सी डर भी लग रही थी। बट मेरा फ्रेंड ललित मेरे साथ था तो हम दो जने एक और एक 11 करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हमारे पीछे यहाँ पर एक फॉरेस्ट की चौकी है, इससे आगे अभी हमें जाना है जहाँ पर मंदिर हमें मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं मंदिर की ओर। तो अभी हम फॉरेस्ट की चौकी को हमने क्रॉस करा ही था, और थोड़ा सा आगे चल के अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिला है। आप देखिए किस तरीके से हरे भरे जंगल हमें देखने को मिले हैं, और ये ऊपर से एक नदी आ रही है। नदी का नाम मुझे अभी ऐसा कुछ खास पता नहीं है, बट लेकिन जो नज़ारा है आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं अगर ये कैमरे में आपको दिख पा रहा होगा। छोटे छोटे स्टॉप लेते हुए, सुंदर सुंदर जगहों को देखते हुए हम फिर चल दिए आगे सूर्य देवी की ओर। रास्ते में काफ़ी बेहतरीन नज़ारे हमें देखने को मिले, और ये जो पूरा सफ़र था ये काफ़ी सुहाना था। काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है सूर्य देवी मंदिर। पंडित जी भी पहुँच चुके हैं वहाँ, पूजा पाठ कर रहे हैं, और आसपास देखिए क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया जगह में पहुँच। यहाँ पे देखिए मुझे मिले हैं हीरा मोती, ये चेक कर लूँ हीरा मोती है कि नहीं। तो हमें यहाँ पंडित जी मिले हैं, आइए पंडित जी से कुछ बातचीत करी जाए। पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना है? 100 वर्ष पुराना। आप यहाँ कब से हैं पंडित जी? 13 साल। 13 साल। मंदिर की क्या मान्यता पंडित जी यहाँ पर? ये वो अपने यहाँ चढ़ावा कर जाता है, जो भी है। अच्छा, जो भी मन्नत मांगने आता है वो मांगने की पूरी हो जाती है। पंडित जी से बातें करते करते पता चला कि यहाँ पे आश्रम भी है। हाँ, पंडित जी बताएंगे आश्रम के बारे में कुछ? हाँ, आश्रम है यहाँ, पहले बहुत काफ़ी पुराने बाबा जी रहते थे यहाँ पर, और वो आश्रम है यहाँ पर बहुत बड़ा वाला। श्रद्धालु रात में रुक सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई किराया नहीं उसका। ये देखिए ये है आश्रम, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जंगल के बीचों बीच। अभी हम आए हैं देखने आश्रम, पंडित जी ने जो आश्रम बताया था उसी आश्रम की तरफ हम आए हैं, देखते हैं।
हो रहा है। अभी हम आश्रम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ नीरज बिष्ट जी है, ये यहीं आश्रम में रहते हैं। चलिए इनसे पता करते हैं कि क्या व्यवस्था है आश्रम की। तो नीरज जी, ये आश्रम में किसका हुआ वैसे? ये नवमीदास महाराज। नवमीदास महाराज जी, अच्छा। तो महाराज जी यहाँ कब आए और कब ये आश्रम बना? हमने तो ये 20 साल से ऐसे ही देखा, अभी आज 25 साल से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, तो इसको बताते हैं 30-40 साल हो गए। अच्छा, 30-40 साल हो गए। बाकी यहाँ अभी नीचे पंडित जी से बात हुई थी हमारी, वो बता रहे थे कि यहाँ आश्रम में रुकने की भी व्यवस्था है। हाँ है। हाँ, तो आप बताइए हमें कि किस तरीके से अगर हम कभी आएँ तो यहाँ कैसे रुक सकते हैं? यहाँ आप रुक सकते हैं, सब व्यवस्थाएँ हैं। अच्छा, एक आश्रम वो दिख रहा है? वो दिख रहा है सामने। अच्छा, वो वाला टीन शेड वाला? हाँ, उसमें सब सजाई गद्दे भाड़े पर भी है, बाहर रहने का भी है। अच्छा, गद्दे वद्दे सब आप यहाँ से मिल जाते हैं? हाँ। अच्छा, और बाकी ये पूरा हॉल है। अच्छा, ये पीछे, ये हमारे पीछे ये हॉल है यहाँ पर, ये पूरा हॉल है। अच्छा, बाकी वैसे यहाँ पे जानवरों का भी खतरा रहता है क्या? जानवरों का ऐसा कुछ खतरा नहीं है, पर फिर भी आते हैं जानवर साथ में अंधेरे के बाद। हाँ, बंदर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी आसपास, काफ़ी बंदर हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं बंदर। जैसे अगर हम कभी आश्रम आते हैं तो आपका खाने का यहाँ पे किस तरीके से प्रबंध होगा? प्रबंध हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप लोग जैसा खाना चाहते हैं सामान यहाँ से मिल जाता है, बर्तन। अच्छा, राशन यहाँ से भी मिल जाता है? राशन यहाँ से, बर्तन भी मिल जाता है? बर्तन भी मिल जाते हैं। ठीक। और बाकी अगर हम अपना लाना चाहें कुछ? हाँ, तो वो भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, तो जैसा नीरज जी ने अभी हमें बताया कि राशन यहाँ से भी मिल जाता है, बर्तन भी मिल जाते हैं, और आप अगर चाहें तो आप अपना राशन भी ला सकते हैं, वो भी यहाँ बना सकते हैं। बाकी नीरज जी, यहाँ पे जो ये पूरी व्यवस्था है, क्या इसका कोई चार्ज भी है क्या हमें? नहीं, निःशुल्क चार्ज। अच्छा, निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात है, देखिए आप आश्रम में आई हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है, प्रकृति के बीच में आप आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और श्रद्धा से आए, एक बार ज़रूर आए, नीरज जी से मिले यहाँ पे। चलिए, आगे मिलते हैं आपसे। तो आज हम जिस आश्रम में आए हैं वो श्री श्री 108 स्वर्गीय नौमी दास महाराज जी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका एक दीवार पे चित्र बना हुआ है, ये है आपके श्री श्री 108 स्वर्गीय नौमी दास महाराज जी। इस दाने ये हमें टमाटर आलू दिए हुए हैं, बाकी इसको अभी हम खुद ही बनाएंगे। ये हमारी खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। ललित जी, क्या कर रहे हैं आप? ये दादू, नीरज बिष्ट दादू ने हमसे आलू यहाँ पे खिचड़ी बनाने का सारी सामग्री उपलब्ध करा दी है, और तो अभी हमारा खिचड़ी बनाने का कार्य है, और मैं आलू छील रहा हूँ। आगे आशीष पांडे जी भी मेरे को सहयोग करेंगे, आशा करता हूँ अभी इसके बाद वो काम करेंगे और मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? चावल और दाल निकालते हुए, कभी भी आप आए सब आपको व्यवस्था मिलेगी। फाइनली हमारी खिचड़ी रेडी थी। अपनी प्लेट लेके मैं शुरू हो गया खिचड़ी खाने पे। ये जो खिचड़ी थी काफ़ी टेस्टी थी, काफ़ी यम थी। इतना लंबा सफ़र करके भूख भी बहुत लग रही थी और थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना अब खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट करा जाए। और वहाँ मुझे मिला एक झूला, जिस झूले पर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, आराम करा, और फिर हम चल दिए वापस अपने घर की ओर।